स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम आपको फेसबुक सीरीज के इस वीडियो में सिखाएंगे कैसे आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सकते हो फेसबुक बिजनेस सूट के थ्रू। तो दोस्तों ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ये लेटेस्ट वर्जन लेटेस्ट अपडेट के ऊपर मैं आपको बना रहा हूँ और इसके थ्रू आप फर्दर अपने फेसबुक पे एड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों फेसबुक के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी 750 से ज्यादा फ्री लेटेस्ट कंटेंट के वीडियोस हैं। इस साल 1000 वीडियोस, 30-35 नई सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें ताकि कुछ भी मिस ना करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम आपको आज इस वीडियो में फेसबुक पे बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा बदल गया है, बिकॉज लेटेस्ट वर्जन पे अब बिजनेस सूट पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है बिजनेस सूट बनाना और उसके फीचर्स। तो पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए ताकि आप उसके बाद आगे का प्रोसेस फॉलो कर पाओ। तो बिजनेस सूट अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप अपने फेसबुक अकाउंट में आओगे तो आपको यहाँ पर जो आप आपको अपने बिजनेस सूट अकाउंट में जाना है, तो business.facebook.com करके जब आप डालते हो तो बिजनेस सूट का अकाउंट आता है, जैसे हमने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है, सिखाया है, वैसे क्रिएट कर लीजिए अगर नहीं करा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन आएगा एड मैनेजर का, ठीक है। तो पहले अब एड मैनेजर पे क्लिक करना पड़ेगा। एड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास जहां पर एड क्रिएट करते हैं वो वाला ऑप्शन आ गया है। तो इस वाले ऑप्शन पे आ गए। अब हम पहले बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर जो 3 लाइन आ रही है इधर आप बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है, इसको न्यू विंडो में ओपन कर लीजिए। तो जब आप ओपन करोगे देखो ये आ गया है बिजनेस मैनेजर का यहाँ पर। अब ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। अब जब आप यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आप अपनी डिटेल्स डालिए, जैसे कि पहले आपने कभी फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करा होगा ओल्ड वर्जन में, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए और दोस्तों ईमेल एड्रेस डालने के बाद इधर आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि जब आप सबमिट करोगे तो आपका भी इस तरीके से एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाएगा। तो हमारा जो है वो पहले दोस्तों क्या कहते हैं ये इस तरीके से नहीं आता था, दूसरे स्टाइल से आता था जो पुराना वर्जन था, बट अब इस तरीके से पहले अकाउंट आएगा, ठीक है। और ये जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम आपको इसके कुछ फीचर्स की जानकारी देंगे और आपको एड अकाउंट बनाना सिखाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आप लोग अगर चैनल का कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं हमसे या डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, वहां से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो वहां पर भी आपको डे टू डे अपडेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।